नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंदिरा तिवारी ट्यूटोरियल में। बिहार के स्टूडेंट के लिए काफी खुशखबरी की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी पीटी पास कर लेंगे उनको 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक दिया जाएगा। ये जानकारी जैसे मिली हमने सोचा आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के लिए जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी हो वो आप तक पहुंचाया जाए। बस आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाता रहूंगा। तो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जहां पर यह न्यूज पब्लिश किया गया है और पूरे प्रूफ के साथ बताते हैं जिससे कि आप लोग विश्वास कर सकें। तो दोस्तों, ये न्यूज hindustan.com पे पब्लिश किया गया है और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार यूपीएससी बीपीएससी पीटी पास करने पर मिलेंगे 50,000 से 1,00,000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में सफल होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में सफल होने पर एससी और एसटी उम्मीदवारों को 50,000 रुपये और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले एससी एसटी उम्मीदवारों को 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा छात्रावासों में रहने वाले एससी एसटी ईबीसी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को 15 किलो अनाज देने का भी फैसला किया गया है। छात्रावासों में रहने वाले एससी एसटी छात्रों को 1,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए अलग इंजीनियरिंग सेल भी बनाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में नालंदा के राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, हमने सोचा आप तक पहुंचाया जाए। बस आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों का ऐसे साथ बना रहेगा तो मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।